ये रामबरा श्री बाल रामलीला कमेटी द्वारा निकाली जा रही है, जो एक हफ्ते से निरंतर रामलीला हमारा मंचन हो रहा है रामबाट का, उन्हीं उसी के क्रम में ये रामबरात आज निकल रही है। अगर बात की जाए तो पूरे देश में रामबरात निकाली जाती है, मथुरा में निकाली जा रही है, क्या खास है इसमें? मथुरा की पहचान ही अलग है, इसलिए बरात भी खास ही है। 125 साल हो गए इस रामलीला को चलते हुए, 125वीं साल है इस साल। कितनी झांकियां शामिल हैं और कहां कहां से बैंड बाजे मंगाए हुए? 60 करीब झांकियां हैं इसमें, मेरठ के, गाजियाबाद के, मथुरा के बैंड और नफीरी वगैरह अखाड़े लगे हुए हैं इसमें। कितने दर्शक आए हैं श्रद्धालुओं की बात की जाए? बहुत दर्शक हैं, हजारों दर्शक हैं लगे हुए चारों तरफ। मैं अनिल कुमार गुप्ता वृंदावन से हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य का वो मिला है कि मैं भगवान राम की बरात में आया हूँ, बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। किस तरीके से राम बरात निकाली जा रही है, कैसी कैसी झांकियाँ देखने? बहुत अच्छी अच्छी झांकी, ऐसी झांकी मैंने कभी नहीं देखी। करीब 60 झांकियों के साथ, 8-10 बैंडों के साथ, सभी समाज का साथ और जात समाज का बहुत सहयोग है। मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ आने का भगवान राम की बरात में, मैं भी धन्य हो गया इस बरात को देखकर। आयोजकों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सब आयोजक के लिए धन्यवाद, चैनल वालों के लिए धन्यवाद, पत्रकारों के लिए धन्यवाद, शासन प्रशासन के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं भगवान राम की बरात में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।